निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मर। मैं आपका ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप उसमें से जाएं और जो भी आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा आप उन टॉपिक्स को जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल भी सब में डिस्कशन किया है, MCQ। मैं आपको बता दूंगा इस बुक में आपको हर जगह क्या है जी 150, 250 और कहीं कहीं 300 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन MCQ हैं। तो प्लीज़ जाएं, मैं उस चैप्टर को पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। मैंने MCQ वगैरह डिस्कस किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर देता हूं आपको। मैं MCQ तो नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा देता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट द्वारा पढ़ाया जाए, जहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, उनसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मेरा लॉजिक, मेरा कंसेप्ट बहुत ही अलग है। और इस बुक में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस बुक में जो करेक्शन में करना होता है मैं उसको भी कर देता हूँ। अब कुछ लड़कों का ये भी डिमांड था कि सर इसमें जो बुक आप लिए हैं तो कौन सा लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बुक क्या है जी, प्लेटफॉर्म वाली बुक है। इसमें जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में क्या है जी, वॉल्यूम 1 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, वॉल्यूम 2 में जो है आपको इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग, सॉरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वायर मैकेनिक्स ये सब जो है उस सब के लिए अलग बनाया है, मैकेनिकल वालों के लिए अलग बनाया है। तो मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ाऊंगा, मैं मैकेनिकल वालों को नहीं पढ़ा सकता जी। तो हम इसमें ट्रांसफार्मर टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे जी, ट्रांसफार्मर के हम लोग को ज़्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ट्रांसफार्मर में क्या है जी थ्योरेटिकल ही पढ़ना है, और न्यूमेरिकल पढ़ना है तो हम लोग को क्या है वोल्टेज और करंट में ही पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर क्या है जी, एक स्टैटिक डिवाइस है। इससे पहले भी मैंने थोड़े से ट्रांसफार्मर ने आपको पढ़ा रखा है, वो भी लेक्चर जाके देख सकते हैं जी, उसमें भी हमने कुछ डिस्कस किया था। हमने उसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस किया था, थ्योरी हमने कवर नहीं किया था। अब हमने थ्योरी भी कवर करना है जी। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस, इसमें क्या होता है जी, वोल्टेज क्या होता है, हाई से लो करते हैं या लो से हाई करते हैं, यही इसका काम है। बात किया जाए तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एसी पे ही काम करता है, डीसी पे नहीं काम करेगा जी। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर किसी ने डीसी सप्लाई दे दिया तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि आपको एसी देते हैं तो क्या होता है, इसमें करंट चेंज होता रहता है। करंट चेंज होने से क्या होता है, आपको जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना रहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जिससे क्या होता है हमको करंट जनरेट होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा तो करंट जनरेट नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए डीसी देते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब नहीं होगा तो उसके कारण नहीं होने से क्या हो जाएगा, जो आपको क्वाइल होगा हीट हो जाएगा और बर्नआउट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा सर्किट पूरा जल जाएगा। तो इसलिए हम डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, डीसी सप्लाई जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो जाएगा। ये केवल एसी पे काम करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। बोला कि अगर ट्रांसफार्मर में देखिए, ट्रांसफार्मर काम करें तो ट्रांसफार्मर में तो कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं, जब ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा जी, जब कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो नो लॉस आइडियल किस ले रहे हैं, नो लॉस होगा। आइडियल किस ले रहे हैं जी, नो लॉस होगा। तो नो लॉस होगा जब आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या हो जाएगा जी, 100% उसकी क्षमता होगी। 100% क्षमता होगा तो जो पावर हम देंगे वही पावर निकल जाएगा, तो पावर जो देंगे वही पावर निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी तो चेंज करता ही भी नहीं है, ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, वोल्टेज या करेंट को चेंज करेगा, तो क्या करेगा वोल्टेज करंट को चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ट्रांसफार्मर की बात ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। और वोल्टेज और करंट चेंज कैसे होगा मैं इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करूंगा, वो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर रेशियो होता है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप तो यहां समझ गए होंगे कि पावर क्या होता है जी, सेम होता है आइडियल केस में, फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। प्रैक्टिकल हो या आइडियल केस हो, दोनों में ही फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन पावर किस में सेम होगा जी, आइडियल में सेम होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में पावर क्या हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा जी। क्योंकि क्षमता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 100% नहीं रहती है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, और कौन कौन से लॉसेज होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे जी, हम आयरन लॉस, कॉपर लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीसी सप्लाई अगर दी जाएगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, 95 से 99% होती है। इसका मतलब हुआ 95 से 99% तक क्या होगी जी, ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता रेटिंग किसमें यूनिट की जाती है, तो किलो वोल्ट एम्पियर। के से क्या है जी, किलो है। वी से क्या है, वोल्ट है। ए से क्या है, एम्पियर में की जाती है। बात की जाए कहीं कहीं क्या किया जाता है जी, वाट में भी किया जाता है, कहीं कहीं किलो वोल्ट में किया जाता है। ज्यादातर रेटिंग हमको किलो वोल्ट एम्पियर में ही किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो पावर जो नोटेशन है वो आपको इसमें सावधानी रहती है। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट करना आसानी होता है। बात करते हैं
तो किलो वोल्ट एम्पियर को बात की जाए तो किलो वाट में भी यहाँ पे दिखा रखा है, तो किलो वाट में करेंगे तो देखिए यहाँ पे किलो वोल्ट बराबर किलो वाट गुने फाई, फाई क्या है जी, शक्ति गुणांक है, क्या है जी, पावर फैक्टर है, क्या है जी, पावर फैक्टर है। तो यहाँ से हम फाई से देख सकते हैं कि पावर फैक्टर है। अब बोलता है किलो वोल्ट एम्पियर में आप पहले ट्रांसफॉर्मर का निकाल लो पावर, उसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो फाई हो क्या है, पावर फैक्टर है जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पावर फैक्टर है। बात की जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं जी, एक होता है सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण, एक अनोनियन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो सेल्फ इंडक्शन होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा, अगर अनोनियन यानी म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा जी, ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा और एक ट्रांसफार्मर बनेगा। तो जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, लेकिन जब ऑटो ट्रांसफार्मर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो गया। लेकिन दोनों में हो रहा है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में, और नॉर्मल ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रेरण हो रहा है, यानी अनोनियन प्रेरण ये स्व प्रेरण हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस था, हमने इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर के टाइप में बात की जाए ट्रांसफार्मर कितने तरह से डिवाइड किया गया जी, तो पावर ट्रांसफार्मर और ये आपको ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें थोड़ी थोड़ी गलती है उसको हम करेक्ट करते जा रहा हूँ। तो चलिए ये है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये क्या है पावर ट्रांसफार्मर। आपको भी पता है कि ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी लिखा नहीं है, प्लेटफॉर्म वाली बुक आपको पता है कि बीटेक वाले ने लिखा है, तो बीटेक वालों में और भी ये बुक क्या है कि जल्दी जल्दी छपा गया है जी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है जी प्रॉब्लम है इस, और उसके बाद इसमें एरर भी है बहुत सारी, क्या है जी प्रिंटिंग एरर है बहुत सारे, क्या है जल्दी जल्दी छापने के लिए इसमें कर दिया गया, तो इसलिए ये कुछ कुछ है, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी क्या है कि बहुत सारे दिक्कत है, आंसर कुछ और है ऑप्शन कुछ और है, तो मैं उसको पढ़ाते वक्त आपको करेक्ट करते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप देखिए वीडियो को पूरा तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी देख लें तो भी वीडियो को नहीं समझ में आएगा। बात की जाए तो पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा है, तो सिंगल फेज है और क्या है जी, सिंगल फेज मैंने एक फेज ही ट्रांसफार्मर है और ये थ्री फेज है, तो थ्री फेज और सिंगल फेज होता है जी। तो इसमें क्या होता है सिंगल फेज और थ्री फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज है, फेज को डोनेट करने के लिए फाइव डोनेट किया जाता है, इसको वन फाइव लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा एक फेज यानी सिंगल फेज है जी, अगर थ्री फाइव लिखा जाए तो थ्री फेज है जी, थ्री और फाइव लिखा जाएगा तो थ्री फेज ही है, थ्री फेज ही हिंदी में बोल रहे हैं, थ्री फेज इंग्लिश में बोलते हैं जी, ठीक है ना, थ्री वाला ये थ्री वाला थ्री है, ये ट्री है, ट्री फेज ही, तो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात की जाएगी कार्य के आधार पे अगर बांटा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा स्टेप अप स्टेप डाउन, क्योंकि हमने बोला था कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है जी, स्टेप वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, तो उस कार्य के बेसिस पे अगर क्या करता है वोल्टेज अगर बढ़ाता है तो उसको स्टेप अप बोलेंगे नहीं उत्क्रमण बोलेंगे, अगर वोल्टेज घटाता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, अवक्रमण ट्रांसफार्मर बोलेंगे जी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने उसके टाइप्स पढ़े। अब बात करते हैं कि सेकंड वाले में ये मेरे पावर ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस था, अब बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है जी, कि करंट ट्रांसफार्मर है या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, अगर नहीं कोई भी ट्रांसफार्मर दिया रहेगा तो हम जनरली रिज्यूम करेंगे कि आज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पीटीवी इसको डोनेट करता है, अगर करंट ट्रांसफार्मर बोलना होगा तो करंट ट्रांसफार्मर वो क्या करेगा मेंशन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं जी ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी क्या है सेम टू सेम कैसा है पावर ट्रांसफार्मर जैसा है, ऑटो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर सेम जैसा है, इसमें भी क्या है सिंगल फेज और थ्री फेज है, और इसमें क्या है कार्य के आधार पर, इसमें भी क्या है, अब बोल रहा है कि इसमें कार्य के आधार पर नहीं किया जाए संरचना के आधार पर किया गया, जैसे उसमें हमको क्या करना है जी, अब देखिए जब हम जाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में तो हमको तो पावर का सेविंग करना है जी, तो पावर का सेविंग कैसे कर सकते हैं उस बेसिस पे संरचना चेंज करना पड़ता है। संरचना चेंज करने के लिए क्या होता है कोर टाइप सेल टाइप उसमें क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कोर टाइप होते हैं बहुत सारे सेल टाइप होते हैं, हमको कौन सा लॉस बचाना है कौन सा लॉस को रख सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने से क्या होता है ट्रांसफार्मर हमारा का टाइप क्या होता है अलग हो जाता है, तो इसके अनुसार कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कोर टाइप और सेल टाइप हमने डिस्कस किया, उसको भी हमने टाइप में आगे बांटेंगे, अभी तक बस इतना ही समझिए। आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है जी कोर होता है, अब ट्रांसफार्मर के हम लोग क्या पढ़ेंगे जी पार्ट पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा पार्ट होता है कौन कौन सा नहीं होता है इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार ट्रांसफार्मर को क्या करें जी देख लें, इस ट्रांसफार्मर को मैं क्या कर रहा हूँ जी जूम कर करके दो इमेजेस दिखाऊंगा, आप क्या कीजिएगा इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक आपको ये रहा ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं जी यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक है, इसमें क्या है जी बॉकलेज, बॉकलेज क्या है रिले है, बॉकलेज रिले है, बॉकलेज रिले है,
ये आपको बोकलेज हर जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन बोकलेज रिले है। ये है टर्मिनल बस है, क्या जी टर्मिनल बुशिंग है। टर्मिनल बुशिंग क्या होता है, इसमें देखिए ये हाइट ज्यादा है, ये क्या है जी कम हाइट पे है, तो ये क्या है हाई वोल्टेज वाला होगा, उसका हाइट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ये क्या है ट्रांसफार्मर टैंक है जी, ट्रांसफार्मर टैंक है, इसमें क्या होगा ऑयल भरा रहेगा, ठीक है जी। ये व्हील है, इसका व्हील है क्या जिसमें मूव करेगा। ये क्या है कोर है, ये प्राइमरी कोर है क्या है सेकेंडरी कोर है जी। ट्रांसफार्मर का क्या होता है प्राइमरी कोर होता है सेकेंडरी कोर होता है। इसका देखिए एक यहाँ से पाई ब्रेदर निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रेदर है जी। ब्रेदर क्या करता है, इसको प्रेशर कम करने या ज्यादा करने के लिए होता है। आप पहले एक सभी जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को ध्यान से याद रखिएगा, कौन कौन सा पार्ट्स है, कौन कौन सा पार्ट है जी। कंजर्वेटर टैंक इंपोर्टेंट है, बोकले रिले है, ब्रीदर है, टर्मिनल बुशिंग है, ट्रांसफार्मर के टैंक है, कोर है, प्राइमरी कोर है, सेकेंडरी कोर है। उसके बाद क्या आता है जी, ये आपको इसको पाइप कूलिंग ट्यूब बोला जाता है। उसके बाद मैं एक और दिखाना चाहूंगा, थोड़ा इससे क्या होगा वो आपको थोड़ा टफ फिगर होगा, उसमें क्या होगा पूरा ए टू जेड क्या क्या है डिस्कस किया गया है। इसको भी हम एक समझने की कोशिश करेंगे, इसको क्या है कि हम पूरे, मैं इसको जूम कर चुका हूं जितना जूम होना है, और इसको जूम करने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं नहीं। तो आप देख सकते हैं, हाँ इतना ही सही है। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास देखिए क्या है जी, ये मेरा कंजर्वेटर टैंक है, हमने कंजर्वेटर टैंक वहां भी देखा था। यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें पूरे पार्ट को आपको दिखा गया है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा अर्थिंग है, यहाँ पे क्या है अर्थिंग दिया गया है, ठीक है। बात कर रहे हैं अब ऑयल है आपको जो ये कंजर्वेटर टैंक है, इसमें क्या रहेगा जी, इस कंजर्वेटर टैंक में क्या है जी ब्रीदर है, ब्रीदर यहाँ पे बना है। इसमें क्या होता है सिलिका का जेल लगा होता है, सिलिका का क्या लगता है जेल लगा होता है, जिससे क्या करता है ये एयर लेता है जी, एयर निकालना क्या है एयर लेना इसका क्या है जी काम है। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन भी जो एयर जाएगा उसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिलिका जेल लगा रहता है। अब बात की जाए ये ऑयल इनलेट वाल्व है, ये ऑयल इनलेट वाल्व है क्या करेगा, जब ये वाल्व ओपन होगा तो क्या हो जाएगा इसमें ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा जी ऑयल इन किया जाएगा इसी के थ्रू। अब बात की जाए देखिए बोकले रिले है, बोकले रिले है तो क्या होगा जी, बोकले रिले है आपको किससे जुड़ा है तो कंजर्वेटर ऑयल और जो आपको मेन ट्रांसफार्मर का टैंक है उसके बीच जुड़ा है जी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे प्रेशर रिलीज डिवाइस है, क्या है जी प्रेशर रिलीज डिवाइस है, यहीं पे है प्रेशर रिलीज डिवाइस होता है जो क्या होता है बोकले रिले के पास में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोजन वाल्व, ये है आपको देखिए एक्सप्लोजन वाल्व। एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है जो ट्रांसफार्मर को एक्सप्लोजन करने से यानी विस्फोट करने से बचाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया जी एक्सप्लोजन वाल्व। ये एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है आप ऊपर में ही होता है, ठीक है ना। आप अगर यहां से डायग्राम को थोड़ा सा पढ़िए और जाकर किसी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाइए और जाकर ट्रांसफार्मर को देखिए और वहां से समझिए कि क्या आप सभी उसमें सभी पार्ट को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आजकल तो आपको ट्रांसफार्मर हर जगह मिलता है, चाहे गांव हो शहर हो हर जगह देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के मैं सारे पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, आप आज शाम में क्या कीजिएगा आप अपने ट्रांसफार्मर के पास जाकर देखिएगा, सारे पार्ट को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा हाउ कैन इट्स वर्क एंड ऑल फंक्शंस आर। आपको तो इतना समझ में नहीं आएगा लेकिन बाहर से कम एक संरचना आइडिया का ले सकते हैं कि किसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं जी, उसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम किसमें है जी, तो ये डायफ्राम है जी किसमें। उसके बाद है ऑयल लीवर इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर किसमें रहेगा जी, कंजर्वेटर टैंक में। जब ऑयल है तो कंजर्वेटर टैंक में ही तो ऑयल लेवल इंडिकेटर रहेगा। उसके बाद है एसटी टर्मिनल। एसटी टर्मिनल और एलटी टर्मिनल जी, ये क्या होता है, ये आपको इस वाले टर्मिनल को बोल रहा है क्या जी, एसटी टर्मिनल। टेम्परेचर गेज, ये टेम्परेचर गेज क्या बताएगा, जो अंदर में जो ऑयल है उसका टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, ये किसका काम है जी, टेम्परेचर गेज को बताना का काम है। बात की जाए तो टैप चेंजर। टैप चेंजर क्या होता है, टैप चेंजर यहाँ पे होता है। उसके बाद मैनुअल ऑपरेटर, जो टैप चेंजर है ये मैनुअली ऑपरेट भी होता है, और क्या होता है आजकल तो बहुत स्मार्ट ट्रांसफार्मर आ रहे हैं तो क्या होता है ऑटोमेटिक ही सब कुछ होता है। कूलिंग ट्यूब, देखिए ये जो ट्यूब्स है यहाँ पे क्या होता है जी, इसके थ्रू क्या होता है ऑयल्स इधर क्या करता है सर्कुलेट करता रहता है। ऑयल क्या होता है बाहर आता है फिर से अंदर जाता है फिर से ऑयल बाहर आता है, तो ये क्या होता है कूलिंग होता रहता है। बाहर आने पर क्या होता है जी एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, उससे क्या होता है कूल होता है। हम इसका अभी फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल हम इसके पार्ट्स को देख रहे हैं जी। कूलिंग ट्यूब है ये। उसके बाद क्या है टैंक है, ये टैंक पूरा है आपको। टैंक का क्या है व्हील है, यहाँ पे चार व्हील लगा हुआ है,
ऐसे ट्रांसफार्मर तो जनरली आजकल व्हील लगता नहीं है, लेकिन इसमें दिखा रखा है कहीं आपको कैरी करने के लिए किसमें बात है। अब देखिए ऑयल जो अगर हमको निकालना होगा, ऑयल इसमें से टैंक में से निकालना होगा तो कहाँ से निकालेंगे, तो ऑयल आउटलेट जो होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसलिए ऑयल आउटलेट क्या जी एकदम नीचे है, ठीक है। यहाँ पे ड्रेन कॉक है, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, मतलब क्या है जी इसी कॉक का नाम है। कॉक का मतलब क्या होता है, कॉर्क जानते हैं, कॉर्क टाइप से रहता है जिसको निकालने पे क्या होता है ये पूरा ओपन हो जाएगा जी, उसी से क्या किया गया रहता है बंद किया गया रहता है। तो यहाँ से हमने दो फिगर देखे, एक ई वाला, मैं चाहूंगा कि इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें और सभी इसको, नहीं तो आप क्या करें नेट से भी ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे पिक्चर्स आप देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और हम एक एक पार्ट को अलग अलग से डिस्कस करेंगे और उसका फंक्शन समझेंगे जी। उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पहला हमारा पॉइंट आता है कि ट्रांसफार्मर का क्या होता है जी, कोर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है जी, तो कोर होता है, ट्रांसफार्मर में कोर होता है। ट्रांसफार्मर में हमने कोर देखा था जी, कौन सा कोर है जी, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का क्या है जी, कोर है। ये मेरा कोर है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में पढ़ा जाए तो कोर में क्या होता है जी, आसान सा रास्ता प्रदान करता है। ये क्या होता है, कोई भी जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो यहाँ से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स क्या करेगा इस कोर के थ्रू क्या करेगा, रास्ता देगा, एक ऐसा रास्ता देगा जो फ्लक्स के लिए क्या होगा आसान होगा, इसीलिए ये कोर बनाया गया। तो फ्लक्स का लॉसेज क्या होगा, कम होगा। जितना फ्लक्स का लॉसेज कम होगा वो क्या होगा, उतना अच्छा मेरा कोर होगा। तो अब बात की जाती है कि भाई ये किस कोर से बनाया जाता है, तो सिलिकॉन और स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है कोर ट्रांसफार्मर के, तो सिलिकॉन और स्टील से बनाया जाता है जी। सिलिकॉन और स्टील से बनाया जाता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर को, लेकिन बात की जाए कि पावर ट्रांसफार्मर यानी बड़े पावर के लिए, हाई पावर के लिए, तो वहां पे आपको फेराइट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है जी, फेराइट यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जब ज्यादा पावर का हमको ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके कोर किससे बनेंगे, फेराइट के, और नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर पूछेगा तो सिलिकॉन स्टील के। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है घुमाने के लिए ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो अगर इलॉजिकल लॉजिकली आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको डाउट होगा ही होगा जी। आप बात करते हैं तो इसमें बोला है कि परतदार सिलिकॉन इस्पात स्टील का बना होता है। तो इसमें क्या होता है जी, लेयर वाइज बना होता है जिससे चुंबकीय शीलता ऊंच होती है, जिसके कारण एडी करंट स्ट्रेस लॉस कम होती है। अब बात की जाए तो भाई इस बोल रहा है कि लेयर वाइज बना होता है, लेयर वाइज क्यों बना रहता है, देखिए इसमें आप देखिएगा तो ऐसे होता है जी, कोर हमारा जो बना होता है ऐसे होता है, एक प्लेट एक ऐसे होता है, एक यहाँ से जुड़ा रहता है, फिर से सेम टू सेम ऐसा ही जुड़ा रहता है, फिर से ऐसा ही जुड़ा रहता है, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है, ई के शेप का होता है और एक आई के शेप का होता है, तो उससे जोड़कर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी को जैसे आपको बंद वगैरह होता है ना पिज्जा, तो क्या होता है एक के ऊपर एक होता है, एक के ऊपर एक होता है, एक के ऊपर क्या होता है एक होता है, चाहे स्टैक देखे हैं मेमोरी वगैरह में उसमें क्या होता है एक के ऊपर एक होता है। तो यानी एक गत्ते के ऊपर एक गत्ता रख देना, क्या है जी, एक गत्ते के ऊपर एक गत्ता रख दिया, इसका मतलब क्या होगा उसके ऊपर रख दिए। तो यहां से समझ सकते हैं वैसे ही एक लेयर्ड वाइज है जी। तो यही बोला कि लेयर्ड वाइज क्या होता है जी, उससे क्या होता है लेयर वाइज होने से वजह से क्या होता है एडी करेंट और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होती है कम होती है। अब बात की जाए एडी करेंट लॉस की बात कर लिया जाए तो देखिए जी, अगर मान लीजिए ये मेरा पूरा प्लेट है, इसमें अगर एडी करंट जनरेट होगा तो ऐसे जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट भंवर जैसा होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि भंवर भंवर जैसा करंट होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर भंवर करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे सेल जनरेट होगा जिससे क्या हो जाएगा लॉसेज ट्रांसफार्मर के बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसको छोटे छोटे प्लेटेज में काट देते हैं जी, छोटे छोटे प्लेटेज में क्या करेंगे काट देंगे, जिससे क्या हो जाएगा ईडी करंट जो होगा लॉस हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, तो देखिए अब क्या होगा, जब हमारे पास इसको हमने क्या किया प्लेट में काट रखा है जी, जब हमने थिकनेस इसका कम कर दिया, तो यहाँ पे थिकनेस कम करने से अब क्या होगा, अब अगर ईडी बनेगा अभी करंट तो कितना बनेगा, छोटा अमाउंट का बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा था कुछ ज्यादा अमाउंट का बन रहा था, तो यहाँ लॉसेज ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया ईडी करंट लॉस क्या किया जी, कम किया। और हिस्टेरेसिस लॉस की बात की जाए तो हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, हमारा हमारा जो करंट है कितना वेरी कर रहा है उसके वेरिएशन पे है, तो हम उसको तो कम कर नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है जी, तो 0.25 से 0.5, कहीं कहीं ए डाटा 0.35 से 0.05 तक भी दिया रहता है, यहाँ समझ सकते हैं जी। तो ऐसा कोई नहीं है डायरेक्ट, आप याद रखिए 0.25 से 0.5 mm तक होता है जी। अब समझ सकते हैं कि मोटाई कितनी है जी, बहुत ही कम है। तो इतना इतना क्या होता है जी मोटाई, क्या लेमिनेशन होता है।
जितना लेमिनेशन का होगा उतना ही क्या होगा जी, कोर की मोटाई होगी। दोनों क्या होता है, मोटाई सेम होती है। प्राइमरी बाइंडिंग देखिए, इसमें प्राइमरी बाइंडिंग देखिए, जब इधर से हम करंट दे रहे हैं तो ये मेरा क्या है जी, सोर्स इधर है मेरा, तो सोर्स जब इधर है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगा। तो प्राइमरी बाइंडिंग क्या हो जाएगा, बोल रहा है किसका बना होता है जी, तो ये तांबे का बना होता है, ये सोर्स से जुड़ा होता है। सेकेंडरी बात की जाए तो ये भी तो तांबे का ही बना रहता है, लेकिन ये किससे जुड़ा होता है, लोड से जुड़ा होता है। ये क्या है जी, लोड किधर हमको कंज्यूम करना है, अगर बल्ब को जलाना है तो बल्ब जलाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये भी तांबे का ही बना होता है। तो हमारा कौन कौन सा बाइंडिंग हो गया, तो प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग को सिंबल 1 से दिखा रहे हैं और सेकेंडरी को 2 से दिखा रहे हैं। कहीं क्या करता है, प्राइमरी को आई पी दिखाएगा और सेकेंडरी में आई एस दिखाएगा। तो उससे नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको कंसेप्ट क्लियर करना है जी, और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का बात किया जाए तो कंजर्वेटर में क्या है, ये एक छोटा सा बोल रहा है। कंजर्वेटर क्या था जी, हमारा जो टैंक था, हम एक बार फिर से देखेंगे। कंजर्वेटर क्या था जी, हमारा जो ए वाला सिंबल है इसमें कंजर्वेटर क्या है जी, कंजर्वेटर टैंक ये है, ठीक है ना। तो कंजर्वेटर टैंक के बारे में पढ़ेंगे हम, बोल रहे हैं कि एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि हर एक पार्ट क्या है जी, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब बात की जाए कंजर्वेटर, तो कंजर्वेटर बोल रहा है ये एक छोटा टैंक, वर्ल टैंक होता है जी, तेल टैंक होता है, जो मुख्यतः तेल टैंक से ऊपर होता है। बोला है जो जो मेन टैंक होता है उससे क्या होता है जी, उसके ऊपर ही होता है। कौन सा, तो ऑयल टैंक। इसमें लगभग आधे स्तर का तेल भरा होता है। बोला है इसमें क्या होता है जी, इसमें आपको जनरली क्या होता है कि 50% से 66-67% भरा रहता है जी, इससे ज़्यादा नहीं भरा रहता है, नहीं इससे कम भरा होता है। तो ये क्या होता है, हमारा सेफ जोन होता है। सेफ जोन से बाहर जाने के लिए तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ऑयल वगैरह में अगर मान लीजिए हीट बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लास्ट करने का चांसेस बढ़ जाएगा ट्रांसफॉर्मर में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसको नहीं फिल करते हैं, और कम भी नहीं फिल कर सकते, क्योंकि कम रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, कूलिंग जो सिस्टम है वो अच्छा से नहीं होगा। बात कर जाए कार्य, इसके कौन कौन से वर्क है जी, तो मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखने का काम क्या है जी, कंजर्वेटर का है। तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाली फैलाव का स्थान देना। देख अब देखिए, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ेगा तो उसको जगह कौन देगा जी, तो एक कंजर्वेटर आयल क्या करता है जी, उसको देने के लिए क्या चाहिए हमको, तो इसके लिए एक्सपेंशन टैंक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो यही देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन टैंक भी बोला जाता है। इस जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तब उसे कंजर्वेटर मुख्य टैंक का तेल आपूर्ति करता है। अब जब जब क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, तो उसको तेल कौन देगा जी, तो कंजर्वेटर ही देगा। तो यहां से समझ सकते हैं कि क्या है, एक्सपेंशन टैंक भी बोलता है, कंजर्वेटर टैंक भी बोलता है। बाइंडिंग में पैदा होने वाली ऊष्मा के कारण तेल का तापमान क्या होता है जी, 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तित हो सकता है जी। बाइंडिंग में जो हीट जनरेट हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, 20 से 95 डिग्री तक हो सकता है जी। अब आते हैं बॉकलेस, बॉकल्स रिले क्या है जी, बॉकल्स रिले में देखिए, बॉकल्स रिले में आपको जो है, बॉकल्स रिले एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक बॉकल्स रिले जो था बहुत ही छोटा था, किसके बीच था जी, तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में था। आप यहां से देख सकते हैं बॉकल्स रिले क्या है जी, ये मेरा कंजर्वेटर टैंक है और ये मेरा मेन टैंक है, इसके बीच में क्या है जी, बॉकल्स रिले। तो बॉकल्स रिले के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, बॉकल्स रिले, कोई बॉकलेस भी पढ़ते हैं, बॉकल्स भी पढ़ते हैं, कोई मतलब बॉकल्स ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। बात की जाए वो छोटा सा डिवाइस की, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा क्या किया गया, बड़ा करके और इसका फंक्शन दिखाया गया है जी। बॉकल्स रिले बोला ये ट्रांसफार्मर का आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है, कि साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के स्रोत को भी अलग कर देता है। बोल रहा है कि जब भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या करता है, ये अलार्मिंग सिस्टम है। तो अलार्मिंग सिस्टम किससे जनरेट होता है जी, तो बॉकल्स रिले से होता है, और ये ट्रांसफार्मर का क्या है जी, स्रोत है, जो जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर के सोर्स से क्या करता है जी, अलग भी कर देता है, यानी डिसकनेक्ट भी कर देता है। इसको सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, जो जब करंट ही खत्म हो जाएगा तो बाकी हमारी जो भी परेशानी आने वाली हो क्या हो जाएगी, परेशानी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो यहां से बोला जाता है, इसलिए सर्किट ब्रेकर भी इसको बोला जाता है। बोल रहा है कंजर्वेटर और मेन टैंक जो जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है, इसमें दो फ्लोट या एक दो मरकरी स्विच होता है। इसमें क्या होता है जी, दो फ्लोट होता है। देखिए अब यहाँ पे हम फिगर से थोड़ा लॉजिक समझेंगे जी, ये मेरा कंजर्वेटर है, ये मेरा क्या है जी, फ्रॉम कंजर्वेटर टैंक। अब ये क्या है जी, फ्लैप है। देखिए अब इस फ्लैप में क्या होगा, जब हमारे मेन टैंक का अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा जी,
अगर एक्सपेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक फोर्स मिलेगा। किधर मिलेगा जी, इधर एक फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इधर फोर्स मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, इस फोर्स मिलने से क्या होगा जी, ये मेरा पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा। और ये जो सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्किट जो ओपन है, अलार्मी सर्किट जो ओपन है, वो क्या हो जाएगा जी, कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। सर अलार्मी सर्किट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो अलार्मी सर्किट कनेक्ट होने से क्या हो जाएगा, ये मेरा एक सर्किट करंट क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा क्या हो जाएगा, ये मेरा सर्किट क्या करेगा जी, क्या करेगा, पूरा ब्रेक कर देगा। तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो गया। जिससे हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जो भी ट्रांसफार्मर की ब्लास्ट करने की या जो लॉसेज होने थे वो क्या हो जाएगा जी, बच जाएगा। बात की जाए मेन टैंक की, तो मेन टैंक क्या होता है जी ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जो हमारा मेन टैंक है, ये मेरा टैंक क्या है जी, मेन टैंक है। उसी टैंक को अब देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ कंजर्वेटर टैंक है, उसको बोकल्स रिलीज के साथ क्या है मेन ट्रांसफार्मर टैंक को जुड़ा है। तो ये मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर टैंक को छोटा सा बना रखा है, इसको देख सकते हैं। बोला है ट्रांसफार्मर टैंक मुख्य टैंक होता है, इसमें तेल भरा होता है, इसमें क्रूड और उस पर लिपटी हुई वाइंडिंग डुबोई होती है, और उसमें जो आपको कोर है और उसमें बाइंडिंग जो किया गया रहता है, उसका क्या होता है जी, ये मेन टैंक में ही होता है। अब बात करते हैं ब्रेदर। अब ब्रेदर की बात की जाए तो ब्रेदर को मैंने बताया था कि ब्रेदर किधर होता है जी, आपको ट्रांसफार्मर किधर होता है, आपको ब्रेदर देखिए यहाँ पे क्या है जी, ये वाला ब्रेदर है, ब्रेदर सिरका जेल। क्या है जी, ब्रेदर सिरका क्या है, कंजर्वेटर टैंक से क्या होता है, निकला हुआ होता है। तो कंजर्वेटर टैंक्स में ब्रेदर का क्या काम है, क्या नहीं है, इसको हमको समझने की जरूरत है। बात कीजिए ब्रेदर की, जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है, तो ठंडा होकर जब सिकुड़ेगा तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होता है। तो जो जगह बचा है उस जगह में क्या आएगा, एयर आएगा। एयर आने की वजह से क्या होगा, क्रिया श्वास लेना पड़ेगा, तो उसको क्या एयर लेना पड़ेगा, यानी श्वास लेना पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा जी, तो ब्रेदर से क्या हो जाएगा, एयर आएगा। अब जब एयर आएगा तो एयर के साथ क्या आएगा जी, एयर के साथ कुछ ना कुछ तो ह्यूमिडिटी आएगा। जब ह्यूमिडिटी अगर आ गया ऑयल में, जो ऑयल में ह्यूमिडिटी आ गया तो क्या हो जाएगा जी, तब तो हमारा ट्रांसफार्मर ही करेक्ट काम नहीं करेगा जी। तो इसमें ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो ब्रीदर कंट्रोल करेगा। तो देखिए ब्रीदर वायु प्रवेश करता है, इसमें से होकर नमी पर भी प्रवेश कर जाती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका के जेल होते हैं। हमने बोला था ना, क्या नाम बोला था जी, ब्रीदर सिलिका जेल, हमने नाम ही बोला था उसका। देखिए कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल भरा रहता है जी, जो नमी को सोख लेता है, नमी को क्या करता है, सोख लेता है। अब मान लीजिए नमी को सोखता है, कितना सोखेगा भाई, एक तो उसका लिमिटेशन होगा, तो सोखते सोखते कितनी सोखेगी ये देखिए। अब जब ज्यादा ही सोख लेगा, शुष्क अवस्था में सिलिकॉन का जेल बोल रहा है कैसा रहता है जी, नीला रहता है, लेकिन नमी को सोखते सोखते क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। इस दिन फिर से और भी ज्यादा सूखेगा तो क्या हो जाएगी, पिंक हो जाएगा। तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करने लगता है, नमी सूखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब पिंक हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कोई भी ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से सुखा लेंगे और फिर से क्या करेंगे, उसको धो देंगे, सुखा लेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, फिर से उसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह क्या किया जाता है, रीयूजेबल भी बनाया गया है जी सिलिका ब्रीदर को। दोबारा प्रयोग करने के लिए हमको क्या होता है जी, 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर तक उसको क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है जी। यहाँ पे बड़ा करके उसी को दिखाया जाएगा, ब्रीदर सिलिका जेल को दिखाया गया है जी, ठीक है। अब आते हैं हम वाल्व है जी, क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लोजन वाल्व है, वाल्व एक्सप्लोजन वाल्व को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा फिगर में। आप एक्सप्लोजन वाल्व देख सकते हैं, आपका एक्सप्लोजन वाल्व कहाँ है जी, यहाँ पे टॉप में जो है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन वाल्व कहाँ है जी, आपका ये टॉप में है, क्या है एक्सप्लोजन वाल्व है, ये क्या है मेरा एक्सप्लोजन वाल्व है। तो इसका क्या फंक्शन है, इसको भी हम समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर में हमको सारे पार्ट के बारे में पढ़ना है, सारे पार्ट ही क्या है जी, इम्पोर्टेंट है। थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें मिनरल से भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग दोनों कवर करेंगे। तो एक्सप्लोजन वाल्व का क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है जी, एक्सप्लोजन से क्या करेगा, सिक्योर करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन वाल्व बोलेंगे। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। प्रेशर रिलीज वाल्व क्या है, प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। रिलीज करने का मतलब क्या होता है जी, प्रेशर रिलीज करना, प्रेशर को कम करना। तो क्या करेगा, एक्सप्लोजन कम करने से क्या होगा, एक्सप्लोजन कब कम होगा, जब प्रेशर को कम करेगा, प्रेशर कम करेगा तो प्रेशर रिलीज किया, इसलिए प्रेशर रिलीज वाल्व भी इसको कहेंगे। यदि ट्रांसफार्मर तेल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सप्लोजन वाल्व का डायग्राम टूट जाता है। बोल रहा है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन जो वेंट है उसका क्या होता है जी, उसका डायग्राम टूट जाता है, जिससे अतिरिक्त दाब क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है जी, कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि एक्सप्लोजन वाल्व का क्या काम है जी।
ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षति के कारण ऊष्मा उत्पन्न कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है जी, जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने के बाद प्रेशर कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, फिर से सिकुड़ हो जाएगा। इसको इंसुलेशन और शीतलन के रूप में भी होता है जी। किसका यूज होता है जी, इसमें क्या होता है कुछ ऑयल लगे रहते हैं जी, क्या होते हैं ऑयल वगैरह लगते हैं, इसको क्या किया जाता है, इससे प्रेशर कम कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बुशिंग, अब पढ़ेंगे जो बुशिंग के बारे में। बुशिंग क्या है, यहाँ पे बुशिंग को आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का जो टॉप पार्ट है उसमें क्या होता है बुशिंग है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग और बुशिंग से बाहर निकलने वाले वायर ढकने के प्रयोग में किया जाता है। तो बुशिंग का क्या काम किया जाता है, ट्रांसफार्मर से बाहर निकलने वाले वायर को क्या किया जाता है, ढकने के लिए क्या किया जाता है, बुशिंग किया जाता है। तो हाई वोल्टेज वायरिंग की तरफ से बुशिंग की लंबाई अधिक होती है, मान लीजिए हाई जो वोल्टेज है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो ज्यादा लंबाई होगा तो क्या होगा उसका हाई वोल्टेज रहेगा, जिसका लो वोल्टेज वायरिंग है तो क्या है उसकी बुशिंग की लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो वोल्टेज के आधार पर इसका, तो हम यहाँ से देख सकते हैं हम ट्रांसफार्मर का जो टाइप है हमने क्या किया है उसके यूजेज पे डिफाइन किया है। तो ट्रांसफार्मर के टाइप में क्या पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर के जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, उसके यूजेज पे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी ये सब ट्रांसफार्मर का टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल आएगा, उसके बाद अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के टाइप। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जो रेशियो होता है, ट्रांसफार्मर अनुपात जो होता है वो क्या होता है जी। तो मैं इसको आपको दिखाने के लिए, देखिए बात की जाए तो यहाँ देखिए ये मेरा क्या है जी, कोर है, इस कोर में मेरा प्राइमरी बाइंडिंग है, ये मेरा सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है जी। ये मेरा क्या है प्राइमरी बाइंडिंग है, मेरा क्या है प्राथमिक कुंडली है, ये क्या है मेरा द्वितीय कुंडली है जी। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्या है जी, ये जो वायर के कितने टर्न है, कैसे कितने कितने फेरे हैं, उस फेरों को क्या बोल रहा है N1 बोल रहा है, इधर क्या बोलेगा N2 बोलेगा, ठीक है ना। ये प्राइमरी में रहेगा तो 1 लेगा,